नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका फोन EMI का है और आप अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन किए हैं और आप उसे डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसे कैसे डिलीट करेंगे, आज की इस वीडियो में यही आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों EMI के फोन में कॉल रिकॉर्डिंग को डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होता है कि वो कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ पे सेव होता है। इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा अपने फोन की फाइल मैनेजर में। आप अपने फाइल मैनेजर को ढूंढ लीजिएगा आपके फोन में कहाँ पे फाइल मैनेजर है। जैसे ये मेरा EMI का फोन है और यहाँ पे ये फाइल मैनेजर है, इस पे आप क्लिक कीजिएगा और फाइल मैनेजर ओपन हो जाने के बाद इस तरह से यहाँ पे आप स्क्रोल कीजिएगा तो यहाँ पे आप आ जाइएगा अपने सारे फाइल में। यहाँ पे आपको एक फाइल ढूंढना होगा MIUI का, यहाँ पे एक MIUI का फाइल होगा। तो हम इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आते हैं। दोस्तों ये है MIUI का फोल्डर, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, इसी में आपकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग सेव रहता है। आप इस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक कर देने के बाद आप क्लिक कीजिएगा साउंड रिकॉर्डर पे। अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलता है कॉल REC का, कॉल रिकॉर्डिंग, इसे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप जितने भी कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन किए रहते हैं आपको यहाँ पे रिकॉर्ड किए हुए कॉल का सभी डिटेल मिल जाता है। तो आप यहाँ से जिस रिकॉर्डिंग को डिलीट करना चाहते हैं आप उसके सामने टिक कर दीजिएगा और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा डिलीट। अगर आप अपने सारे कॉल रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा जिससे आपकी सारी कॉल रिकॉर्ड के सामने टिक लग जाएगी और इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा यहाँ पे डिलीट पे तो आपकी सारे रिकॉर्ड किए हुए कॉल डिलीट हो जाएगी। तो दोस्तों ये था छोटी सी वीडियो कि EMI के फोन में कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे डिलीट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके काम की होगी और आपके हेल्पफुल होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और ऐसे ही सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहता हूँ तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।